हाथ देखेगा हमारी अकल की ताकत और मिटाना हिंसा को बनाऊंगी ही आदत। अंजू मेरी भी बात को कान खोल कर सुन कि तेरी जैसी लड़कियां अगर हर इंसान को मिल जाएंगी तो एक दिन घर बर्बाद कर देंगी। और मेरी बात को कान खोल कर सुन ले कि तू जिस हविष के चक्कर में आज मुझे तू जिंदान के अंदर छोड़ रही है, तेरी हविष कभी जीवन में नहीं पूरा हो सकती है। तनाज कर रियासत की मालकिन बनेगी तो मेरी बेटी मंजू ही बनेगी, तू नहीं बन सकती है। इस चीज को कान खोल कर सुन ले। और तेरा यह सपना अगर अधूरा ना रहा तो तेरा पिता जो कह रहा है अपने मुखारविंद से वचन, समझ लेना कि अगर पिता के वचन सत्य ना निकले तो इस संसार में किसी भी पिता के वचन सत्य नहीं। मुझे लिस्टर देने क्यों रे? बहुत फड़फड़ा रहा है ना? अरे छुटवा, बीत गया और कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं। सबसे पहले इनका ये शाही ताज और शाही पोशाक उतारो। हाथ काट बहुत बाका बाका करता है। अरे बहुत राज्य कर लिया, अरे अब इस राज्य का महाराज कोई दूसरा बनेगा। इसके हाथ में हथकड़ी, इसे बांध कर कम से कम बुद्धे के 500 हंटर बने चाहिए। फसी मछरिया जाल में, अब रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा आसमान कहर, रेत का तूफान उठेगा आसमान कहर बरसाएगा, शैतान सिक्का जल जला सबको कि मैं गोबर गणेश हूँ। बोलो ना क्या कहा था? मैं तुम्हें गोबर गणेश लगती, तुम मेरे रहते हुए सारा राज मेरी छोटी बहन मंजू को दे दोगे। अंजू कान खोल कर सुन ले, मेरे बदन की चमड़ी तू उड़ा दे और मुझे तू जीवित मत रख, जान से मार दे, लेकिन मेरे कहे हुए वचन कभी अभी नहीं होंगे। अगर ये नागपाल जीवित रहेगा तो 50 हंटर के अगर 200 हंटर तेरे बदन में ना पड़े तो मेरा नाम नागपाल। हरामजादे हाथों में हथकड़ी पड़ी है लेकिन जुबान कैसी जैसी चल रही है। लगना तो मैं भी हंटर। वाह, इस हरामजादे ने हमारी इतनी अच्छी प्यारी दुलारी हमारी जान को क्या कहा? गोबर गणेश। साले हरामजादे, हे छुड़वा ले जाए इसे और डाल दे कैद खाने में। ले जाओ, अब कल सुबह इस हरामजादे को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। अरे मैं तो कह रही थी अभी तो कहा है धरती, कहा है भैया हम सबसे बड़े, एक जवाब टौना से हारी। तो धरती कहा है भैया हम सबसे बड़े, एक जवाब टौना से हारी।
अरे काटी कूट के सड़क बनावे वही पर चलावे ठेला गाड़ी नजरिया न मारो तो लोहा कहे भैया सबसे बड़े एक लोहरा बेटौना सिहारी अरे पीट पाट के रेल बनावई वही पर चलावे रेलगाड़ी नजरिया न मारो सबसे बड़े एक सोनरा बेटौना सिहारी तो सोना कहे भैया सबसे बड़े एक सोनरा बेटौना सिहारी अरे पीट पाट के नथिया बनावई नकुना करे मऊदारी नजरिया न मारो देखे भैया कहीं अरे वही अंजू का कहा तो गंजू अंजू हाँ 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 सैतान वहाँ का अरे वह सैतान सैतान सिंह हाँ हाँ देखे न है इसे प्यार होगा यार प्यार तो कबहन से होगा है हाँ यार चलो चली देखी का हो ही रहा है का हो ही रहा है चला जाए हे भरहरी बेरिया हो भरहरी बेरिया भौजी भैया का जगा भरहरी आज से हमारा तुम्हारा हरदम के लिए साथ रहेगा नहीं अंजू तुम मुझे छोड़कर चली जाओ तो अब किसी और से शादी कर लो अंजू ये छुआ छूत की बीमारी ये तुम्हें भी हो जाएगी अंजू तुम किस मुझे छोड़कर चली जाओ प्लीज नहीं स्वामी मेरे पिताजी ने मुझे तो घर से निकाल दिया अब ये सोचो मैं कहाँ जाऊंगी नहीं दूर मुझे से ये स्वामी तुम जाओ
जी से ये स्वामी तुम जाओ हूँ पत्नी तुम मोहब्बत प्यार में हरामजादे इसकी मोहब्बत प्यार करेगा साला अपनी शकल नहीं देख रहा है तो अभी अभी दूर करता हूं मैं तेरी
की पास थी। तुम्हारे तो कटाई दाब लेके जाए के रस्सी लेकर आओ। अरे अरे छड़वा नमारा जीजा की राहत अहिजान के चोदे। अरे तुम्हार जीजा तो नाश हो जाए, फिर खटिया चली जाए, गंगा चले जा, अरे कौनो कुआं ताल में डूब के मर जाते, आं? तो इका हमारे घर मिला रहे नाश करे का, आं? तोरे तोरे खाते ना आज हमार बहन हमका मर तो ये रंडो इनका तो
बहनी जी जाए के लधवारी वाले आ हिलाई नहीं जाते। हराम जादे काट कर फेंक दूंगा। उठाओ दोनों को रस्सी में बांधो। इस हरामजादी को उठाओ और उधर रस्सी से बांधो। वो जो पेड़ दिख रहा है आम का, उसी पेड़ में इस हरामजादी को रस्सी से बांधो। इस हरामजादी को उस पेड़ से बांधो और इस हरामजादे को 100 फीट नीचे खाई है, यहां फेंक दो, फेंक दो उस खाई में। अरे 100 फीट नीचे खाई है। भैया भाई तो तेरे का जौन मार मारी से रहा ना पानी ना पहुंचे। हम ना जाब, हम तो नहीं, हमार बॉडी कमजोर है, हमका पटकी तो हम एकदम गर्दा हो जाब। हरे राम, जैसी करनी वैसी भन्नी। हरे राम, तई देखे खम्भे में बांध से होशियार रह, हम तो ना जाब अकेला। ए छोटू, इस खम्भे में बांध में कह रही हूं। नहीं, हमका चटनी कर दे, धीरे धरे रहो, तुम्हारो यह दशा होई। दशा होगी देखो भगवान, तुम छपरा ये हरामजादी इस पेड़ से बंधी हुई तड़प तड़प कर मरेगी। ना इसे खाना नसीब होगा और ना इसे पानी नसीब होगा। और वो हरामजादा कोढ़ी 100 फीट नीचे खाई में गिर गया। वो साला कंकड़ पत्थर में टकराते हुए गया है। अरे हो सकता है वो साला मर गया होगा, अगर ना भी मरा होगा तो थोड़ी देर में मर जाएगा। राजकुमारी जी, लीजिए हंटर और चुका लीजिए इस हरामजादी से अपना बदला। क्यों रे हराम, तेरे पैर ए ब्रिक ब्रिक सील डाउन स्विच ऑफ। अरे हे हिया, ई बुद्धू भैया फिर आए, ई देखो काहे बैठ, देखो पान लेने हो, 501 रुपया दीन कहीं 100-100 रुपया सबको ले ली हो। और लेकिन जौन तना करत मेहनत, और यही तना मेहनत करे रहे तो सफल तो रही है। अच्छा अच्छा, और कहीं सुन लियो कहने छछुंदर कर। अरे बड़ी जल्दी उठ जा तू है, हम एक का कहे थे जैसी जैसी करनी वैसी भरनी है उनकी तरफ से। और कहा ये का कहा थे, कहा जैसे आप आज चौहान क्यों रे, रात दरबार में क्या कहा था?
का अरे रंडोया रस कुवारी अंजू। चलो अब हम लोग महलों की तरफ चलते हैं क्योंकि अबे तोहरे बाप का भी तो टपकाना है। अरे क्यों नहीं आओ चलते हैं, ये हरामजादे यहीं ऐसे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आओ मेरे साथ। कुछ नहीं भाई साहब, क्या देख रहा क्या क्या वार्ता चला रहा? पेट पेट क्यों? अरे मैं खाती हूँ, तगड़ी तंदुरुस्त हूँ। काहे के मुसम्मी मुसम्मी मुसम्मी। अरे सेहत आए सेहत। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? हम बोलबे ना अल तुझे ना देखो तो चाहे हमको। अरे हम चीज ही ऐसी है। तुझे ना देखो तो चाहे मुझे आता नहीं। तुझे ना प्यार हुआ तो नहीं है कहीं। एक तेरे सिवा कोई और मुझे पाता नहीं। तुझे ना देखूं तो चाहे शांति शांति शांति। अबे रेत का तूफान उठेगा। साले हंसा ठीक से करो, नहीं कसम है मां भवानी की ऐसी मार मारूंगा आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। आप हंसे तो हम मुझसे जो करे बगावत, मुझसे जो करे बगावत मरेगा साला भारी। मुझसे जो करे बगावत मरेगा साला भारी जवानी में। और ये डाकू शैतान सिंह वो बला है। लगा दिया